वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं हमारे वीडियोस पर कि आप सांप कैसे पकड़ लेते हो, इतनी आसानी से आप सांप कैसे पकड़ लेते हो, आपका हर एक टीम का मेंबर इतनी आसानी से कैसे सांप पकड़ लेता है, हम क्यों नहीं पकड़ सकते, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बात बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि सांप पकड़ना एक कला है, उसे सीखना पड़ता है, जैसे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने ये घाटचिरस गांव में एक कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया था खेत तालाब से, तो यही वो कोबरा है। अभी यहाँ पर हम पर्यावरण में उसको रिलीज करने आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह हम स्नेक को हैंडलिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस तरह से हैंडलिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, आप मारे जाओगे। क्योंकि सांप पकड़ना एक कला है, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और वो किसी स्नेक कैचर के पास ही ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जैसे मान लो हम कोई फोर व्हीलर चलाना सीखना है या बाइक चलाना सीखना है, ठीक है, तो दोस्तों हमें जब फोर व्हीलर चलाना सीखना पड़ता है, बाइक चलाना सीखना पड़ता है, तो हमें वो स्टीयरिंग जो है हाथ में लेना पड़ता है, और सिखाने वाला साथ में होना चाहिए, तब भी हम सीख सकते हैं। मुझे बताओ, अगर आप वीडियो देख के या फिर यूट्यूब पे कई सारे हज़ारों वीडियोस है स्नेक के, आप ऐसा देखकर ऐसा सीखने की कोशिश करोगे तो आप जान से जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो आपको फोर व्हीलर चलाना नहीं आता है, आपको सीखना है, तो आपको सिखाने वाला कोई साथ में होना चाहिए, तब भी आप सीख सकते हो। आपको स्टीयरिंग हाथ में लेना पड़ेगा, तब भी आप सीख सकते हो, जब आपको कोई साथ में सिखाने वाला होगा, आपके पास में बगल में बैठा हुआ। उसी तरह सांप पकड़ना एक कला है, उसको सीखने के लिए कोई सिखाने वाला साथ में होना चाहिए, तब भी आप सीख सकते हो। अदरवाइज आप इसको पकड़ने की कोशिश ना करें, बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के पकड़ने की कोशिश ना करें। ये मेरी चेतावनी हर एक से कि बिना कोई प्रशिक्षण के, बिना कोई स्नेक हैंडलिंग ट्रेनिंग के, कोई भी सांप पकड़ने की कोशिश ना करें, वरना ये आपके लिए जानलेवा होगा, आप मारे जाओगे। तो दोस्तों, चलिए हम इस कोबरा स्नेक को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं और इसके बारे में और जानकारी जान लेते हैं। देखो दोस्तों, ये कोबरा स्नेक है, देखिए किस तरह से अटैक करता है। देखिए, ये बहुत ही जहरीले सांप होते हैं, इनमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि ये कोबरा स्नेक है, ठीक है, भारत में हर जगह ये मिलते हैं। क्या हो रहा है अभी, जैसे जैसे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो इसलिए ये सांप अपने घरों में आना शुरू हो गए, ठीक है, ये सांप हमारे घरों में आना शुरू हो गए। तो हमने क्या करना है, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए हमने पेड़ पौधे लगाने हैं, तभी ये सांप पर्यावरण में बचे रहेंगे और हमारे घरों में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक, जिसे भारत में नाग नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि सांप पकड़ना एक कला है, ये कला हमने सीखा है, इसलिए इसको हैंडल हम कर रहे हैं आसानी से। अगर आप इसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करोगे तो जरूर वो आपको अटैक कर देगा और काट लेगा, ठीक है। तो बस फिर एक बार चेतावनी है, बिना प्रशिक्षण के, बिना कोई ट्रेनिंग के सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको ये सीखना है तो एक साल तक आपको सांपों पर स्टडी करना होगा, और फिर किसी स्नेक कैचर के पास, सांप पकड़ने वाले के पास, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके पास आपको इसका ट्रेनिंग लेना होगा एक साल के लिए। ये एक दो दिन की बात नहीं दोस्तों, कम से कम एक साल तो लगता ही है इसे सीखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो में सब जान गए होंगे सांपों के बारे में, कि किस तरह हम सांप को सीख सकते हैं, किसके पास हम सीख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अभी यहाँ पर हम इसको रिलीज करने वाले हैं। दोस्तों, ये कोबरा स्नेक है, इसमें इसे जब जब डर लगता है तो सामने वाले को डराने के लिए अपना फन उठाते हैं और उसको काटने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, जैसे मान लो मैं कपड़ा हिला रहा हूँ तो उस कपड़े को काटने की कोशिश करेगा। देखिए,
मतलब जिस चीज का खतरा लगता है सांप को, उस चीज को वो काट लेता है। आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, उसको खतरा लगेगा और आपको वो काट लेगा। अगर आपने पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं लिया है तो मैं फिर एक बार बोलता हूँ, आपने अगर पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं लिया है, जानकारी नहीं लिया है, तो सांपों को मत पकड़िए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये कितना अपना गुड उठा रहा है मुझे डराने के लिए, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि खुद डरा हुआ है। दुनिया का सबसे ज़्यादा डरने वाला प्राणी जो है वो सांप ही है, वो हमसे ज़्यादा खुद डरता है, सभी के लिए, सबको, आदमी को डरता है, जानवर को डरता है, खुद के बचाव के लिए वो काटते हैं। सांप काटते हैं इसका मतलब वो काटने के लिए नहीं आते, उनके खुद के बचाव के लिए वो काट देता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसको अभी आज़ाद कर देते हैं। दोस्तों ये कोबरा स्नेक हमने घाटचिरस गांव में पाथरडी तालुका अहमदनगर में रेस्क्यू किया था, तो बहुत सी जानकारी मैं अपने आपको यहाँ पर अभी दे चुका हूँ। तो चलिए हम इसको अभी पर्यावरण में रिलीज कर देते, आज़ाद कर देते। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस आपको रोज़ रोज़ देखने को मिलते रहेंगे और दोस्तों साथ ही साथ सांपों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सेव मनोगा।